तब मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अमेरिका यूनिवर्सिटी में 28 भाषाओं पर रिसर्च किया गया था कि सबसे विशुद्ध भाषा कौन है, एकमात्र संस्कृत, सबसे अधिक अशुद्ध, सबसे अधिक त्रुटि आंग्ल भाषा इंग्लिश में मिला। आज के वैज्ञानिक, आज का विज्ञान क्या है, मैंने ये खोज किया, मैंने खोज आविष्कार थोड़ी नहीं किए, मैंने इसका फलाना ने जहाज का आविष्कार किया, फलाना ने मैथ का आविष्कार किया, फलाना ने शून्य का आविष्कार किया, फलाना ने गेहूं का आविष्कार किया, जौ से गेहूं बनाया, अरे कुछ नहीं आविष्कार किए भैया, सब है। सारा वैज्ञानिक भी वेद को अपौरुषीय कहता है, कोई ऐसा वैज्ञानिक जो मदांत है, जो नास्तिक है, वो भी नहीं कह पाया कि हाँ वेद के अमुक व्यक्ति ने बनाया, वेद व्यास ने वेद का विभाजन किया, वेद का निर्माण किसी ने नहीं किया, वेद अपौरुषीय है, किसी पुरुष ने इसका निर्माण नहीं किया, वेद को सब क्या बोलते हैं, ओल्ड बुक्स कहते हैं ना, विदेशी भी पश्चात्य भी ओल्ड बुक मानते हैं इसको, पुराना अदब से पुराना, वेद से पुराना कुछ नहीं, वो तब भी कहता है वेद पुराना है, वेद अपौरुषीय है। तो आप यदि कहोगे कि मैथ का आविष्कार, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया, अंक का आविष्कार इसने किया उसने किया, तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे वेद श्रुतियों को जब पढ़ोगे, वेद ऋचाओं का दर्शन करोगे, तो वेद मंत्र में आता है एका च मे, तिस्रश्च मे, तिस्रश्च मे, पंच च मे, पंच च मे, सप्त च मे, सप्त च मे, नव च मे, एकादश च मे, एकादश च मे, द्वादश च मे, द्वादश च मे, षोडश च मे, ये संख्या वेद में संख्या का वर्णन आ रहा है। इसका मतलब मैथ भले से ही था, किसी ने मैथ का विस्तार नहीं किया, वेद में मैथ है, क्योंकि वेदस्य निर्मलम चक्षु। आदरणीय हमारे दीन बंधु उपाध्याय जी जो हमारे भागवत के यजमान है, भवंतः ज्योतिर्विद ज्योतिषज्ञ, आप बहुत बड़े ज्योतिषज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है, बक्सा में भले लोग कम जाने लेकिन बंगाल में कौन नहीं जानता आपको, ऐसे ज्योतिष के वास्तव में प्रकांड विद्वान है, अवंतः ज्योतिषज्ञ, और आपके जमान बने आपकी उदारता है। तो ज्योतिष किसे कहते हैं, वेदस्य निर्मलम चक्षु, ज्योति शास्त्रम अलमसम, ज्योतिष पढ़ने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष क्या है, वेदस्य निर्मलम चक्षु, वेद का निर्मल चक्षु है, वेद का नेत्र है ज्योतिष, और ज्योतिष एक फलित ज्योतिष है और एक गणित ज्योतिष है, अंक ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष के माध्यम से पंचवर्गीय, सप्तवर्गीय, षोडश वर्गीय आदि कुंडली का निर्माण होता है, तो वो ज्योतिष गणित से ही बनता है। फलात्मक भयात गुणे, फलात्मक भवोग से भाग देने पर दशा, फिर उसको फलात्मक फलात्मक, बड़ा एकदम नियम है ज्योतिष। अस्तु, ज्योतिष में अंक गणित है, यानी गणित मैथ पहले से है। आप यदि कोई, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, किसी विदेश से बोलते कि उसने जौ का खोज किया था, जौ से गेहूं बनाया था, हमारे वेद में सब है गोधूमाश्चमे, जवाश्चमे, तिलाश्चमे, मुद्गाश्चमे, चावल अक्षन्नमी मदन्तस्य प्रिया अधुकत, सब कुछ है वेद में, वेद से ही सब कुछ निकला है। पर कितना हम लोग के साथ, ना ये पश्चातियों ने गलत किया, वेद से ही अथर्वेद से ही, सामवेद से गायन, अथर्वेद से आयुर्वेद, आयुर्वेद प्राचीन है, अभी भी जो लोग हैं जान रहे हैं, आयुर्वेद से ही एलोपैथ, होम्योपैथ, सबरी पैथ निकल गया, और आज आयुर्वेद को कोने में फेंक दिया, एलोपैथ का खूब साम्राज्य हो गया, ये भारत का दुर्भाग्य है, जो आयुर्वेद में है वो एलोपैथ में नहीं है। समस्त वेदों का जननी अथर्वेद, अथर्वेद से आयुर्वेद, आयुर्वेद से ही एलोपैथ, सबरी पैथ निकला, ये कहां से है, सब वेद से है। समस्त विमानों का निर्माण वेद में वर्णन है। हाँ, आज के विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई ऐसी गाड़ी, ऐसा कोई जहाज बना दे कि 10 सीटर गाड़ी हो और उसमें 11 लोग बैठ जाए, बैठ तो जाएंगे पर 11 के लिए सीट खाली नहीं होगी, 10 सीटर है, 10 सीट है तो उसमें 10 ही लोग बैठेंगे, 1 सीट खाली नहीं मिलेगा आपको। पर पुष्पक विमान की क्या रचना थी, देखो वेद से निर्मित है पुष्पक विमान की ये विशेषता, पुष्पक विमान में 10 लोग बैठे तो भी 1 सीट खाली, 50 लोग बैठे तो भी 1 सीट खाली, 1,00,000 लोग बैठे तो भी उसमें 1 सीट खाली रहती, ऐसा कोई है विज्ञान बना पाएगा।
पुष्पक विमान, आज के जितने भी जहाज है पायलट की आवश्यकता है, जितने भी गाड़ियां हैं ड्राइवर की आवश्यकता है, डीजल पेट्रोल गैस इंजीनियर सबकी आवश्यकता है ना। लेकिन पुष्पक विमान में कोई डीजल पेट्रोल नहीं था, उसमें कोई भारत पेट्रोलियम नहीं था, कोई एचपी का पेट्रोलियम नहीं था, उस समय कोई रिलायंस के पेट्रोल, रिलायंस से नहीं तो रिलायंस के पेट्रोलियम डाल जाएगा, कुछ नहीं था। केवल बिना डीजल बिना पेट्रोल के मन के गति से ड्राइविंग भी नहीं करना पड़ता था। पुष्पक विमान का कोई ड्राइवर नहीं होगा, मन से सोचिए कि बस अब श्रीलंका सीधे अयोध्या, पुष्पक विमान अयोध्या के लिए उड़ान भर दिया है। किसी विज्ञान का सामर्थ्य पुष्पक विमान बना दो तब जाने अभी कुछ तुम आगे नहीं बढ़े हो। अरे भैया ऋषियों ने जो कर चला गया उसी का थोड़ा बहुत कहीं छीटा मिला हुआ है, उसी को तुम पढ़े हो, उनका आश्रय लिए हो तो आज चमत्कारी बने जा रहे हो। पर ध्यान रहे ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः, ऋषि लोग केवल सामान्य पंडित नहीं थे, ये क्रम वो क्रम नहीं, ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः वैज्ञानिक थे, उसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं हुआ। इसलिए नासा आज भी हमारे संस्कृत पर खोज करता है। देखिए वैज्ञानिक क्या कहता है, हमारे ज्योतिष में, अरे हमारे पंचांग में वर्षों वर्षों का कैलकुलेट कर अब दिया गया, इस दिन इतना बज के इतना मिनट पर सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। वैज्ञानिक क्या करता है, वहां जाकर खोज करेगा, देखेगा, उसमें करोड़ों रुपए उसके खर्च हो जाते हैं, तब जाकर कहता है पंचांग में सही लिखा है, ज्योतिष का गणना सही है, बिल्कुल आज ग्रहण लगा हुआ है, कुछ चंद्रमा कालिमा से अधिक दिया है, कुछ सूर्य पर कालिमा बद, तब मान तुम करोड़ों खर्चा करके मानते हो, ऋषियों ने पहले से ही लिख दिया। इसलिए संस्कृत से बढ़कर के कुछ नहीं है, इसलिए संस्कृत संस्कृत और हमारे सनातन संस्कृति से बढ़कर कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारे